डियर स्टूडेंट, आज हम सेवेंथ गुरु में रिवीजन चैप्टर 3 करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 23, 25, 35, 40, 45, 20, 22, 13, 27, 50। स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो हम अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे और अपॉन, क्योंकि ये 10 हैं तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर 1, 2, 3, 4, 5। इनका अर्थमेटिक मीन होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 / 5। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स 1 और 2 इज 1, देन फाइंड एक्स। तो 1 = x + 1 + 2 / 3, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2, 3 and x = 3, देन फाइंड एक्स। एक्स 3 = 2 + 3 + x / 3 देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। स्कोर को हम x मानेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम f मानेंगे। तो f into x हम कॉरस्पॉन्डिंग 17 × 1 = 17, 18 × 2 = 36, 19 × 5 = 95, 20 × 15 = 321, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ये होगा सिग्मा एफ एक्स, और फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे, ये होगा सिग्मा एफ। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उससे हमारी मिलेंगे। राइट द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज द नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। फॉर्मूला इसका सिग्मा एक्स बटे एन भी हो सकते हो आप, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स आर, ये दिए हुए, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स। इन सबको आप ऐड करोगे और 10 से डिवाइड करोगे। इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच।